सुशोभित होकर इसी भूमि में उसका भाव रहा, यही पर उसका ससुराल रहा। ये भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। इस भूमि में हमारे बड़ी लोसर में पूज्यपाद बाबा परमानंद जी महाराज, जिन्होंने इस भूमि को अलंकृत किया और इस भूमि में तप के बल के प्रभाव से उन्होंने जगत में धर्म का प्रचार किया। ये भूमि बड़ी परम पवित्र भूमि है। परमानंद जी महाराज की आप लोग यहाँ पर बहुत देर से प्रतीक्षा करते हैं। ये धर्म का देश है, जहाँ पर शिक्षा संस्कृति साहित्य सदाचार यहाँ पर विराजित है। शिक्षा की नगरी लोग बैठे हैं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न का समाधान, कोई भावना आप यहाँ पर लेकर आए हो, हनुमान जी महाराज आपके दिव्य दरबार में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। आपके मन में जो भाव लेकर आए हो, आपके मनोकामना आकर तो मुर्दे की पहचान है, पहचान होती है झुकता हुई, इसमें ज्ञान होती है। तो बागेश्वर धाम भगवान की एक बार मस्तक झुकाकर प्रणाम करो, करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकोपि कृष्ण से कटक प्रणाम हो दशाश्वमेधान सेव तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। निश्चित रूप से आपके मन का भाव आकर आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बरहा पीनम नटोर बहु करो कर्णिकारम जीन माता, यहाँ पर शाकंभरी माता, यहाँ पर सालासर हनुमान जी, यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ सम्राट परम संते बड़ा वाले महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज, जिनके मुखाकृति से जिनके सहयोग से सैकड़ों यज्ञ हो चुके, आज भी जीवाणा में यज्ञ है, उस निमंत्रण को लेकर मैं आपको यहाँ पर आया हूँ। आपको वहाँ पर